अस्सलाम वालेकुम दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दो तरीके बताऊंगा जिसके अंदर आप अपने एटीएम कार्ड जो है टेलीनॉर का एटीएम कार्ड वो एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा ये कि ये मुझे रिसीव हो गया है एटीएम कार्ड जो है टेलीनॉर की तरफ से, इसको मैं अनबॉक्स नहीं करने वाला, ये तो बच्चों वाली गेम है। ठीक है, आप आसानी से ख़ुद भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको करूँगा तो आपका टाइम ज़ाया होगा। ठीक है, तो आपका टाइम ज़ाया करने के बजाय मैं सिंपल से जो दो तरीके हैं वो आपको बता देता हूँ। यार आपका टाइम ज़ाया करने की ना ज़ाया करने की खुशी में यार सब्सक्राइब तो बनता है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट्स में यार कुछ ना कुछ लाजमी आप लिख दें। आई लव यू लिखते हैं या आई हेट यू लिख दें, आई हेट यू भी चलेगा। चलें शुरू करते हैं मेथड नंबर वन से। अच्छा, पहला मेथड जो है उसके अंदर आपने सिंपली डायल अप पैड के अंदर जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपने स्टार 786 जो है हैश करके उसके बाद आपने डायल कर देना है। अच्छा, ये जो एटीएम कार्ड है आपने जिस नंबर पे इशू करवाया आप उसी नंबर से आपने ये जो एक्टिविटी आपने करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक पूरी डिटेल आ गई। यहाँ पे अगर आप देखें तो छठे नंबर पे माई अकाउंट लिखा हुआ है, आपने इसके अंदर जाना है। 6 लिखे हैं, उसके बाद सेंड पे क्लिक कर दें। इसके बाद अगर आप देखें तो पाँचवें नंबर पे आपका लिखा हुआ है मैनेज एटीएम कार्ड। ठीक है, आपने इसके अंदर जाना, आपने 5 नंबर देने हैं, उसके बाद इसको सेंड कर दें। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि क्रिएट एटीएम कार्ड पिन। ठीक है, और भी फर्दर इसके अंदर है जो हमारे मतलब क्या है, वो पहला ऑप्शन है आपने क्रिएट एटीएम कार्ड पिन करना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप मैं 1 पे क्लिक करूँ तो इसको मैं सेंड कर देता हूँ। सेंड करने के बाद ये कहते हैं, डियर कस्टमर प्लीज़ एंटर ए न्यू 4 डिजिट इजी पैसा एटीएम कार्ड पिन। ठीक है, यहाँ पे आपने पिन जो है 4 डिजिट्स का आपने यहाँ पे आपने क्या कहते हैं वो डिजिट्स दे देने हैं, उसके बाद आपने सेंड कर देना है। ठीक है, ये है पहला मैथ। अच्छा, जो सेकंड मेथड है वो एप्लीकेशन है इजी पैसा। ठीक है, उसके थ्रू मैं अपने कार्ड का जो है वो एटीएम कार्ड जो है उसको एक्टिवेट करूंगा। अच्छा, इजी पैसा में जाके अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप इसको डाउनलोड करके अपना अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन आजकल हर जो यूज़र है उसके पास इजी पैसा अकाउंट अवेलेबल होता है। अच्छा, यहाँ पर आपने सिंपली इसको साइन इन करना है। इसको साइन इन करने के लिए मैं अपने अकाउंट को लॉग इन बाय फिंगरप्रिंट कर लेता हूँ। अच्छा, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। अच्छा, यहाँ पे साइन इन करने के बाद सिंपली आप लेफ्ट नीचे देख सकते हैं कि माय अकाउंट लिखा हुआ है, आपने इसके अंदर जाना है। ठीक है, माय अकाउंट के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर न्यू डेबिट कार्ड के नीचे जो है मैनेज डेबिट कार्ड। ठीक है, आपने इसके अंदर जाना है। इस पे जाने के बाद क्रिएट पिन कार्ड, आपने क्रिएट कार्ड पिन जो है वो उस पर आपने ओके करना है। अच्छा, इस पर ओके करने के बाद एंड ये कह रहा है कि एंटर दी लास्ट 4 डिजिट्स ऑफ योर डेबिट कार्ड। आपका जो डेबिट कार्ड है उसका जो आखिरी हिस्से आपने वो इसके अंदर एंटर करना है। मैं अपना डेबिट कार्ड का नंबर जो है इसके अंदर एंटर कर देता हूँ। ठीक है, ये एंटर करने के बाद नीचे जो है वो कह रहा है कि न्यू योर एंटर योर न्यू 4 डिजिट डेबिट कार्ड। यहाँ पे आपने अपना जो है डेबिट कार्ड जो पिन है वो आपने यहाँ पे क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ और ठीक है, यहाँ पे देने के बाद आपने सिंपली इसको कंफर्म पिन कर लेना है। ये कह रहा है कि पिन क्रिएट सक्सेसफुली, आपका जो एटीएम कार्ड का पिन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अगर आपको